नाम बताइए अपना। मेरा नाम सत्यव्रत शर्मा है। आज ये गाड़ी फंस गई है, क्या कोई नुकसान भी हुआ, जिसमें टोटल भी लगी है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये आज ही गाड़ी नहीं फंसी है, आज ही गाड़ियाँ फंसी है। और शुक्र ये हुआ कि जानो माल की हानि तो नहीं हुई, लेकिन गाड़ी हो भी सकती है, ऐसी कोई दो राय नहीं है। आए दिन आप देखते हो कहीं ई रिक्शे पलटते, कहीं कुछ रुकते। अभी चंद ही दिनों की बात है, यहीं पर आगे एक जो है क्या ना, एक ई रिक्शा लोडेड होकर के जा रहा था और वहाँ बगल में महिला खड़ी थी और वो अचानक जो है इस तरीके से डांस करते हुए ई रिक्शा जा रहा था और वो अचानक ही पलटा और उस महिला के ऊपर पूरा पूरा ई रिक्शा पलटते के साथ ही उसे यहाँ चेस्ट में 3 इंजर्ड हो गए। पता है इसका जिम्मेदार कौन है? वजह क्या हो सकती है, क्यों गाड़ियाँ पलट रही हैं आजकल? ये वजह ये जो दिल्ली के अंदर नकारा सरकार बैठी हुई है, जो दिल्ली के अंदर जो यहाँ किराड़ी विधानसभा के अंदर जो है नकारा विधायक बैठा हुआ है, जो यहाँ की सुध भी नहीं लेता है, वो कभी उसे इन गलियों में इन रोडों पर चल करके भी नहीं देखा है कि इस किराड़ी की स्थिति कैसी है। और तो और उसके पास जब जनता जाती है अपनी समस्याओं को लेकर के, तो छूटते मुँह पर सिर्फ यही कहता है कि ये तो ऐसा ही होगा जी, जैसा चल रहा है ऐसा होने दो, अन्यथा ये भी रुक जाएगा। अब बताइए जनता करे तो करे क्या, जाए तो अच्छा, जाए कहाँ? ये जो ट्रक फंसा है, क्या इसमें किसी को चोट भी लगी? मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, शुक्र ये हुआ है कि इसमें किसी को चोट नहीं लगा, अन्यथा जैसे ई रिक्शा बताया मैंने, ई रिक्शा पलटा और वो महिला इंजर्ड हो गई, ऐसी स्थिति इसके साथ भी भया हुआ हो सकता था। आप देख सकते हैं टायर कितना अंदर जा चुका है, थोड़ा सा और अगर 1 फीट और इधर होता तो शायद ये पलटता और जान और माल की हानि भी होती है। तो कब से चल रहा काम, क्या किसको दोषी मानते हैं? जी जाहिर सी बात है, यहाँ दिल्ली नगारी दिल्ली सरकार और जो कंपनी इस पे काम कर रही है वो ठेकेदार, समय से काम ना करके देना। आप एक बात देखिए, बरसात के अंदर कोई भी गड्ढे खोदने अलाउड नहीं है और ये काम जो इन्हें बरसात से पहले करके देना होता है, लेकिन जो है बरसात से पहले ये शुरू किया और शुरू करके और अभी तक ये रोड एक लाइन निपटा पाए हैं और गलियों का कनेक्शन अभी इंटर कनेक्शन करना बाकी है।